तो विश्वनाथ चक्रवर्ती को डाउट हो गया, बोले कृष्णदास कविराज ने 24.5 लिखा है चैतन्य चरितामृत में, वो कैसे गलत हो सकते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती उपवास करने लगे यहाँ नीचे, और राधा रानी ने दर्शन दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती को और बोला, देखो कृष्णदास कविराज मेरी प्रिय गोपी है, मंजरी है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। ऐसे करके राधा रानी ने एक शास्त्र बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती को कि ये शास्त्र में चेक करो। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी परम रसिक वैष्णव, जो राधा रानी की सेवा में राधा कुंड में और जावट में भी जाते हैं, वो शाम के समय में राधा रानी जब रसोई करती हैं, तो सुबह तो नंदगांव से आता है भोजन, लेकिन शाम में जावट से राधा रानी नंदगांव में प्रसाद भेजती हैं, तो कस्तूरी मंजरी उसको लेके जाती है। गोविंद लीलामृत में उन्होंने बताया, उन्होंने कृष्ण लीला का सर्वोत्तम ग्रंथ लिखा गोविंद लीलामृत, और चैतन्य महालीला का सर्वोत्तम ग्रंथ लिखा चैतन्य चरितामृत। ये दोनों बेस्ट ग्रंथ हैं कृष्ण लीला और गौरांग की लीला के, उन्होंने ही लिखे। गोविंद लीलामृत जैसा कोई ग्रंथ ही नहीं है आजकल संसार में। उसमें 2000 संस्कृत के श्लोक में उन्होंने अष्टकालीय लीला का वर्णन किया संपूर्ण, हर क्षण कृष्ण क्या कर रहे हैं राधा और कृष्ण। बहुत हाई है, मतलब गीत गोविंद और कृष्ण भावनामृत उससे भी गोविंद लीलामृत सबसे रसमय है। और गौरांग की लीला का तो सर्वोत्तम, जो 6 गोस्वामियों ने सब संस्कृत में लिखा, तो सब ब्रज के वैष्णवों ने बोला कि आसान भाषा में बंगाली में सब गोस्वामियों की तत्व को भी इकट्ठा करके और चैतन्य लीला जो पुरी की लीला है नीलाचल लीला, वो वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं लिखा था, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के महान भक्त थे, इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु की महिमा गान करने में उतने भावविष्ट हो गए कि पुरी की लीला थोड़ी संक्षिप्त में लिखी उन्होंने 10 अध्याय में चैतन्य भागवत में। तो सब यहाँ वैष्णव सब गौर हरिदास पंडित नाम के एक वैष्णव थे वृंदावन में, वो चैतन्य भागवत पढ़ते थे, तो सब वैष्णवों को इच्छा हुई हमें पुरी की लीला भी सुननी है। तो सब वैष्णव कृष्णदास कविराज के पास आए, बोले यहाँ, बोले कि आप पूरी का लीला लिखो, क्योंकि आपने रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना है, रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर बाहर है, उन्होंने स्वरूप दामोदर से सुना था उसके कर्जा से, तो वो जब कथा बोलते थे तो कृष्णदास कविराज ने अपने गुरुदेव के मुख से सुना था। बोले आप ही बता सकते हैं जगन्नाथपुरी की लीला। तो कृष्णदास बोले, जगाई मदाय हई से मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट हो थे आमी से बलिष्ठ, मैं इतना तुच्छ हूँ, जे मोरा नाम लय तार पाप होए, जे मोरा नाम सुने तार पुण्य खोए, मैं कैसे लिख सकता हूँ चैतन्य चरितामृत। तो फिर वो मदन गोपाल का दर्शन के लिए गए वृंदावन में अद्वैत वट में, और मदन गोपाल का हार गिर गया, तो आपको लिखना ही पड़ा। तो कृष्णदास कविराज ये उनका गिरिराज का शिला बैठक है, और उन्होंने इसको लिखना शुरू किया। और बोलते हैं कि कृष्णदास कविराज एरो मुख्य वक्ता श्री चैतन्य, मतलब वो लिख रहे थे लेकिन भगवान ही उसको बता रहे थे उनके हृदय में। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कभी भी पूरी गए नहीं थे, वो महाप्रभु से मिले नहीं थे, लेकिन उनको ऐसी लीला की स्फूर्ति हुई जो किसी को नहीं हुई। सब लीला उनके हृदय में दिखाई दर्शन। इसलिए सारे संसार में हमारे गुरुजियों से पूछा गया कि सारे संसार में सब ग्रंथ डूब जाएंगे प्रलय आएगा, तो केवल चैतन्य चरितामृत को बचाए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में सब कुछ है। कृष्ण लीला अमृत सार, तारो शतो शतो धार, दशदी के वहे जाना होते, श्री चैतन्य लीला होए सेबारो अक्षय, मनो हंस चराउता के, अपने मन के हंस को गौरांग की लीला में डुबाओ, क्योंकि गौरांग की लीला में से कृष्ण लीला की हजारों धाराएं निकल रही हैं।
जो गौरांग की लीला में डूब जाता है वो राधा कृष्ण का अंतरंग बन जाता है। तो ये चैतन्य चरित अमृत गन्ने के जैसा है। चैतन्य रो लीला अचे इशु दंड समो चरवण करिते होए रसो आस्वादन। जितना चैतन्य चरित अमृत को पढ़ोगे उतना रस निकलेगा, कभी रस कम नहीं होगा। जैसे गन्ने में से कैसे रस निकालते हैं, जितना उसको दबाते ज्यादा रस निकलता है। और पहले शुरू में समझ में नहीं आएगा तो भी उसको पढ़ते रहो, जेबा ना ही बुझे के सुनिते सुनिते से की अद्भुत चैतन्य चरित। चैतन्य चरितामृत पीएचडी का ग्रंथ है, बहुत उच्च कोटि का है, इसलिए पहले समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ते रहो तो पूरा रस समझ जाओ। तो मैं भक्त बना चैतन्य चरितामृत पढ़ के। तो मेरे शिक्षा गुरु हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी आद्य आचार्य जी नी शिक्षा गुरु तिनी। तो हमारे आचार्य उनकी वाणी से हमारे शिक्षा गुरु बन जाते हैं। अगर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत नहीं लिखा होता तो भी मैं माया में कीड़ा होता, अभी पड़ा हुआ होता, कभी भक्त नहीं बन सकता था। नब्बे साल के थे, उनको आंख में दिखता भी नहीं था तो भी वो लिख रहे थे, लीला स्फूर्ति हो रही थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद में आए, कृष्णदास कविराज के बाद नेक्स्ट कौन थे सक्सेशन में? कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास आए। नरोत्तम के शिष्य हैं कृष्ण चरण चक्रवर्ती, सॉरी राधा राधा कृष्ण चक्रवर्ती, उसके बाद कृष्ण चरण चक्रवर्ती, उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती, उसके बाद नरहरि चक्रवर्ती। श्यामानंद तो भगवान के गौर हरि गौरांग महाप्रभु के अदृश्य होने के बाद 30-40 साल के बाद नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद एक ही टाइम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी थे थोड़ा समय तक। मेरे ख्याल से खेतुरी के उत्सव में कृष्णदास कविराज नहीं गए थे। चंपक मंजरी, मणि मंजरी, कस्तूरी मंजरी, तवई वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायते। महाप्रभु के बाद ये यहाँ भजन किया, ये मूल स्थान है।